गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। उसका पति बाहर रहकर मजदूरी करता है। घटना एक महीने पहले की है, रात करीब 12 बजे की, जब वो अपने बच्चों को साथ लेकर सो रही थी। तभी पड़ोस के राहुल पुत्र श्रीनाथ ने उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस दौरान जब उसकी आंख खुली तब राहुल ने उसका मुंह दबा दिया और दुष्कर्म करने लगा। महिला ने किसी तरह चिल्लाना शुरू किया, इस दौरान बच्चे जग गए। आरोपी महिला को उसी अवस्था में छोड़कर भाग गया। इसकी शिकायत लेकर जब वो पीड़ित महिला आरोपी के घर वालों से मिलने पहुंची तो राहुल के पिता श्रीनाथ और उसके बेटे धीरज आदि ने लाठी डंडों से उसके घर पर आकर उसके साथ मारपीट की और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। महिला का ये भी कहना है कि घटना के बाद उसने अपने पति को घटना की शिकायत की, पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की। चौकी की पुलिस ने उसके पति और आरोपी को थाने बुलाया और जबरन मामले में सुलह करने का दबाव डाला। यही नहीं, महिला ने चौकी पर उपस्थित पुलिस कर्मी पर अपने पति को पीटने का आरोप भी लगाया है। महिला का कहना है कि पुलिस व्यवस्था से वो थक चुकी है, अब उसे कोर्ट का ही सहारा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीड़िता का मेडिकल तक नहीं कराया गया, अब इंसाफ उसे कैसे मिलेगा। रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा इस वक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में हूँ। यहाँ पर दो महिलाएं आई जिनका कहना है कि मेरी एक बहू के साथ गांव के एक युवक ने उस वक्त दुष्कर्म का प्रयास किया या दुष्कर्म किया, या तो जांच का विषय है, जब वो घर पे अकेली बच्चों के साथ सो रही थी। बताती है कि जो है इसकी शिकायत जब थाने पे की गई तो उन लोगों ने, मतलब विपक्षियों ने आके फिर घर पे मारा पीटा महिला को। उसके बाद फिर जब उनके पति आए तो पति को भी थाने की पुलिस अपने साथ ले गई और ये कहते हुए कि तुम्हारी महिला ही करप्ट है। मतलब पुलिस और गांव वाले मिलकर किसी एक महिला को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि वो कैसी है और कानून व्यवस्था क्या कर रहा है, अलग बात है। लेकिन दुष्कर्म जैसे आरोप अगर पुलिस इस तरह का व्यवहार करेगी, इस तरह का बर्ताव करेगी, तो कैसे महिलाओं का सम्मान हो पाएगा। महिला सम्मान, बेटी बचाओ, आज बातें सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन महिलाओं की जमीनी हकीकत इस तरह की है कि बलात्कार जैसे मामले में भी इन लोग को जो है सुनवाई नहीं हो पा रही है। आर नेट भारत से संदीप मिश्रा रिपोर्ट। दादी कौन है आपकी? है हमारी क्या बता रही है? किस लिए तो उसकी शिकायत भी कहीं कि थाने में कहीं गई कि नहीं? थाने में गए, कोई सुनवाई नहीं। उल्टा जम लगा के नहीं, मेरे भाई को पत्ते बाहर से आया पकड़ा। तो छूटा है कि जेल में है? नहीं छूटा है, छुट्टी बजे रात को छोड़ा। हमारी माँ को तो बजे रात के लाइटे दफ्तर करवा दिया। अच्छा, कोई मेडिकल वगैरह इनका हुआ कि नहीं? नहीं मेडिकल नहीं हुआ। क्या हुआ था? 27 तारीख को घटना हुई। क्या हुआ था? हमारे साथ बलात्कार हुआ। कौन लोगों ने किया? राहुल ने। कहाँ के हैं राहुल? राहुल पूरे में है, पर गांव के ही हैं। हाँ। क्या हुआ था उस दिन? बंगला में हम सब रहते हैं, रात में 12 बजे हमको बलात्कार किया है। तो घर में कोई था नहीं क्या? घर में कोई नहीं था, हमारा पति बाहर रहता है। कहाँ बाहर? नेपाल। तो उस वक्त घर पे कौन कौन था? हम अकेले सर थे, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे हमारे को, और कोई नहीं था। तो राहुल अकेले थे? राहुल अकेले थे, और बाद में हमने जब चिल्लाया है तो उसका भाई भी आया है, उसका बाप भी आया है, और उसका लड़का भी आया है, फिर वो भी हमको मारा। अच्छा, मतलब पहले बलात्कार हुआ फिर तुमको मारा भी? हाँ। उसी दिन मारा कि उसके बाद? उसी दिन ने मारा। अच्छा, तो शिकायत कहीं की हो? जी शिकायत करे हैं, चौकी पर थाने पे शिकायत करे हैं, कोई सुनवाई नहीं किया हमारा। कोई मुकदमा लिखा गया है? हाँ लिखा गया है। काहे का? एप्लीकेशन दिया था। मुकदमा लिखा गया? मुकदमा नहीं, नहीं लिखा। आज कहाँ आई हो? आज न्यायालय में। क्यों, पुलिस से सहयोग नहीं मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तुम्हारे पति आए लौट के? जी परसों आए। तो उन्होंने शिकायत की? उनको भी मारा है सर। उनको कब मारा? परसों। परसों रात शाम को ले गए हैं पकड़ के, रात में मारा।
तभी पुलिस कुछ नहीं की? कुछ नहीं, हमने किसी सुनवाई करते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करती। हमको धमकते हैं, गाली देते हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं, और आदमी को भी गंदी गाली देता है, वो ऐसा कराता है, हमारा से ये किसने कहा? हैं? दरोगा ने। क्या नाम है दरोगा का? नाम सर नहीं जानते। अरे थाने दरोगा? चौकी का। चौकी का। हाँ।